क्या स्टेशन है यार ये, और ये रही हमारी ट्रेन, ये ट्रेन हमको लेके जाएगी रशिया के बॉर्डर पे। यार क्या बात है यार, परेड चल रही है यार यहाँ पे स्टेशन पे। और ये मेरी सीट ऊपर वाली, क्योंकि ऊपर कैसा सिस्टम है कि आप बैठ ही नहीं सकते हो भाई, इतनी इतनी कम जगह है ऊपर की। अभी मेरा फोन है अंदर। ये क्या बात है यार, मैं तो अंदर बाथरूम में चार्जिंग लगाया था। चाइली चोरी चाइना में। सारे पुलिस वाले लोग रोक रहे थे मुझे कि भाई रिकॉर्डिंग मत करो, रिकॉर्डिंग मत करो। तो भाई यहाँ का अलग सिस्टम है यार, मतलब कुछ एवरेज चीज़ दिखाओ या फिर थोड़ी खराब चीज़ दिखाओ ना तो लोग रोकने लग जाते हैं। तो यार इस ट्रेन में तो भाई बहुत मसला होने वाला है यार, कसम से बता दूं यार, मुझे ज़रा भी नहीं पसंद है। क्योंकि भाई बाहर देखोगे ऐसा लगेगा कि भाई आप रशिया में हो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। तो भाई वक्त हो चला है बीजिंग को बाय बोलने का। मैं यहाँ ज़्यादा नहीं, 2 से 3 दिन था। वो काफ़ी अच्छा सफ़र कटा, आप लोग देखे रहेंगे ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का ब्लॉग और ये हुतोंग का ब्लॉग आप देखे रहेंगे। तो अब वक्त हो चला है चलने का यहाँ एक बहुत ही ज़्यादा अलग रीजन में। यूजुअली भाई ट्रैवलर्स वहाँ जाते नहीं हैं, तो मैं जा रहा हूँ बीजिंग से हार्बिन जो पड़ता है चाइना के सबसे ज़्यादा नॉर्दर्न रीजन में, आप बोल सकते हो उसको रशिया के बॉर्डर के पास में। और बहुत ही अलग अलग जगह पे जाने वाला हूँ वहाँ से मैं। और सबसे मेन चीज़ आज जो मैं ट्रैवल करने जा रहा हूँ, आज एक चाइना की हम दूसरी ट्रेन ट्राई करेंगे। आप लोगों ने देखा होगा मैं बहुत बार बुलेट ट्रेन का एक्सपीरियंस किया हूँ, लेकिन इस वीडियो में हम चलेंगे यहाँ की स्लीपर ट्रेन ट्राई करेंगे चाइना की। देखते हैं भाई यहाँ की स्लीपर ट्रेन होती कैसी है, ये मेरा पहली बार एक्सपीरियंस होने वाला है स्लीपर ट्रेन को लेकर। और हमारे हरीश भाई छोड़ने जा रहे हैं भाई, भाई बहुत मदद किए, 2-3 दिन हम लोग आराम से बहुत घूमे। और आप लोगों ने देखा होगा हम हुतोंग वाला पूरा ब्लॉग शूट किए साथ में। तो अभी बज रहा है देख सकते हो 4 बज रहे, और मेरी ट्रेन जो है वो 4:45। देखते हैं यार सबवे से जाऊँ या फिर टैक्सी से जाऊँ, देखेंगे जो जल्दी मिलेगी। भाई टैक्सी से चलेंगे, क्योंकि टैक्सी से कितना टाइम लगेगा भाई? टैक्सी से अबाउट 15 मिनट्स एंड विद सबवे इट विल टेक अराउंड 25 मिनट्स। अच्छा, दोनों ऑलमोस्ट लगभग 10-15 मिनट का आगे पीछे। पर टैक्सी चलेंगे क्योंकि लेट ज़्यादा ना हो जाए। मैं ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, देखते हैं यहाँ की स्लीपर ट्रेन होती कैसी। आप लोगों को तो बुलेट ट्रेन दिखा दिए कितनी ज़्यादा फास्ट होती है। तो आ गए हम हॉस्टल से मेन रोड पर। ये आप लोगों को छोटा सा इंसिडेंट बता दूँ, कल रात में मैं अकेले टैक्सी से आ रहा था खाना खा के, मुझे टैक्सी वाले ने स्कैम कर दिया। पहला बैड एक्सपीरियंस बोल सकते हो आप चाइना में मेरा कल हुआ था। तकरीबन वो 3 से 4 किलोमीटर के जो बन रहे थे 15 युआन मेरे से लिए थे 50 युआन, 150 युआन मांग रहे थे, लेकिन भाई मैं बोला भाई 50 ले। और उधर भी चलो साथ साथ भाई वीडियो बनाते रहो। लेट हो रहा है फिर भी आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। अच्छा वो हरीश भाई है जो भाई बोल रहे हैं कि पिन कर रहे हैं कि चलते रहो। तो कल एक छोटा सा खराब इंसिडेंट हो गया था, थोड़ा सा ज़्यादा ले लिया था वो हरीश भाई, रहते तो प्रॉब्लम नहीं होती। पहले मेरे से 160 मांग रहा था, फिर मैं बोला भाई पागल है क्या, 10 से 15 युआन लगना चाहिए इसका। तो फिर 120 पे आया, फिर मैं उसको 50 दिया, भाई बहस करने लगा था। भाई टैक्सी रोक रहे हरीश भाई, क्या बोलते हैं टैक्सी 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 टैक्सी, अबे रोक दो यार। अच्छा ये गाड़ी, ये भी टैक्सी है क्या? I think it's better we take subway because we are on the... तो देख सकते इधर है मेट्रो स्टेशन और इधर टैक्सी तो मिल रही नहीं है, तो समझ भी नहीं आ रहा क्या करें क्या करें। सबवे से चलो, चल रहे हो साथ में? चलो 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 भाई, कुछ ज़्यादा ही लेट हो रहा है यार, 4:45 बाकी है। और आप लोगों को मालूम है थोड़ा सा दूर है, ज़्यादा दूर नहीं है, तो मेट्रो से ही चलते हैं। देखिए मेट्रो लाइन कौन सी है, लाइन नंबर 2। कितना स्टॉप है यहाँ से? 5 स्टॉप है। हाँ तो यार चलते हैं यार, मेट्रो से ही चलते हैं भाई, रुकेंगे तो शायद कभी ट्रैफिक गलती से मिल गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यहाँ से सिर्फ 5 स्टॉप है, तकरीबन 15 से 20 मिनट लगेंगे। तो ये हेल्प कर रहे हैं टिकट निकालने में। अगर बीजिंग की मेट्रो आप लोगों को जो पहले मैं दिखा भी चुका हूँ, ये टाइम तो ज़्यादा भीड़ नहीं है। कहाँ पर जाना है यहाँ से? यहाँ से 5 स्टॉप इस जगह। Beijing, अच्छा आप लोग इस तरफ जा रहे हैं ना? Yeah, we are going on this side. अच्छा तो हाँ भाई 5 स्टॉप है, चलो चलो बैठो आप। भाई खाली है यार, बीजिंग की मेट्रो खाली मिलती नहीं है। ये देख सकते हो इस मेट्रो स्टेशन से हम निकले हैं और ये देखिए सामने है बीजिंग रेलवे स्टेशन, क्या मस्त बना के रखे हरीश भाई। और यार यहाँ 4 रेलवे स्टेशन है यहाँ बीजिंग में। अच्छा ये मेन वाला नहीं है? ये भी मेन वाला है। अच्छा सारे मेन वाले हैं। लेकिन देखिए क्या बना के रखे यार। तो हमारी स्लीपर ट्रेन है हमको यहाँ से मिलेगी, और भाई देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस होता है। भाई बुलेट ट्रेन का तो एक्सपीरियंस कर लिए, लेकिन ये जो स्लीपर ट्रेन है इसका एक्सपीरियंस हम करेंगे पहली बार, और आप लोगों को सारा एक्सपीरियंस बताएंगे। और आप लोगों को एक चीज़ बता दूं, मैं पहुंचूंगा कल सुबह, तो तकरीबन 14 घंटे की जर्नी होने वाली है भाई, बहुत मजा आएगी, सारी चीज़ें दिखाता हूं आप लोगों को। मैं भी आपको एक चीज़ बता दूं, ये आपको सारी चीज़ें दिखाने के चक्कर में ना ये ट्रेन मिस करने वाला है। तो भाई देखिए इतने अच्छे हैं ना हरीश भाई, मेरा बैग ले लिए भाई, बोले आप वीडियो बना रहे हो। कोई बात नहीं भाई, ये क्या कर रहे हो भाई, इतने अच्छे लोग होते हैं, कितने अच्छे हरीश भाई हमारे, कितनी मदद कर रहे हैं। बोले भाई बैग जबरदस्ती ले लिए, बोले तुम हमारे मेहमान हो, और तुम कैसे बहुत अच्छा टाइम स्पेंड हुआ यार, आई होप वी विल मीट अगेन ब्रो। फिर जरूर जरूर जरूर, आप लोगों को चाइना बहुत पसंद आया तो फिर से जरूर आएंगे। और मेरा ख्याल है यहाँ से अंदर जाना है,
ये देखिए ये कुछ है बीजिंग रेलवे स्टेशन। तो अब अंदर चलते हैं भाई, यहाँ सारे चेकिंग करवाना है। देखिए यहाँ पर, अरे बाप रे भाई, बहुत लाइन है यार, बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ। तो पूरा सिक्योरिटी चेक करवाना है, पूरा सामान वगैरह आपको यहाँ दिखाना पड़ेगा। इसके आगे मेरा ख्याल है तुम नहीं जा सकते हो। हाँ मैं नहीं जा सकता, आपकी लाइन वही है, ये वाली लाइन है। अब चलते हैं यार, लेट हो। देखिए 4:20 हो गए हैं, सिर्फ 20 मिनट बाकी है मेरी ट्रेन में। इसमें शायद मेरा ख्याल है स्कैन करना है। ट्राई करो करो करो। नहीं नहीं, इसमें तो पासपोर्ट स्कैन ही नहीं होगा ना, इसमें तो कार्ड स्कैन होगा। हाँ इधर चलते हैं, बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है। पहले मैं चेक इन वेकिंग करा के अंदर जाता हूँ, फिर आप लोगों से मिलता हूँ। तो आप देख सकते हो सामने से चेक इन वगैरह करा के हम आ गए हैं। और ये देखिए यार, ऐसा कुछ है बीजिंग का रेलवे स्टेशन, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये देखिए थोड़ा पुराने टाइम जैसा बना हुआ है, और यहाँ सारा ट्रेन की टाइमिंग लिखी हुई है। और जो हमारी ट्रेन है आप देख सकते हो T17 जो अभी चालू हो गई, ग्रीन दिखा रहा है। जल्दी जल्दी चलते हैं, शायद ऊपर जाना है मेरा ख्याल है। लेकिन जाना कहाँ है, 6 वेटिंग लाउंज 6। तो यहाँ देखिए वेटिंग लाउंज 4-8 ऊपर जाना है भाई, तो चलते हैं ऊपर। तो यार जल्दी जल्दी चलते हैं, हमारी ट्रेन ना मिस हो जाए भाई। तकरीबन अभी सिर्फ 20 मिनट बचा है, तो स्टेशन पर पहुँच गए तो 20 मिनट का टेंशन नहीं है। और देखिए एक और लास्ट लुक देख लीजिए, ऐसा कुछ स्टेशन है। तो देख सकते हो हमारा ट्रेन नंबर है T17 और वो वेटिंग लाउंज 6, तो हमको यहाँ जाना है। तो यार देख के तो यहाँ से बहुत ही अच्छी लग रही है यार वेटिंग लाउंज। ये जो स्टेशन है ये बुलेट ट्रेन स्टेशन जैसा बिल्कुल भी नहीं है, क्या मस्त बना के रखे हैं यार। ये देखिए क्या बात यार, ऐसा लग रहा है कोई पैलेस में आ गया यार। देखिए कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है भाई, यहाँ इतनी भीड़ नहीं है। आप देख सकते हो यहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं है जैसी बुलेट ट्रेन स्टेशन पर होती है, वो उधर तो बहुत भीड़ होती है। हमारा T17 ट्रेन पे तो ग्रीन टिक दिखा रहा है, तो शायद जा सकते हैं। चलते हैं यार भाई, ये ट्रेन में बहुत सारे लोग ना भाई रशियन है, क्योंकि ये रशिया के बॉर्डर के पास पड़ता है, तो मैंने बहुत सारे रशियन लोग को भी देखा इस ट्रेन में। तो देखिए ये ट्रेन है हमारी T17 और वो यहाँ से हमको चेक इन करा के जाना है। तो यहाँ मुझे पासपोर्ट देना पड़ेगा मेरा, यहाँ का सिस्टम बड़ा अच्छा होता है, आप लोगों को टिकट दिखाने की जरूरत नहीं होती है, बस पासपोर्ट दे दो काम हो जाता है। ये सारी जो लाइन देख रहे हो ये आईडी कार्ड की लाइन है, अगर आपके पास पासपोर्ट है तो आप लोगों को यहाँ से जाना है। हेलो यहाँ आओ, छः हो गया हमारा चेक इन। तो चलते हैं प्लेटफॉर्म पे, देखते हैं यहाँ का प्लेटफॉर्म का क्या बात है यार, यहाँ तो एकदम यूनिक बना के रखे हैं यार। देख सकते हो क्या स्टेशन है यार ये, और ये रही हमारी ट्रेन, ये ट्रेन हमको लेके जाएगी रशिया के बॉर्डर पे। यार क्या स्टेशन है यार बीजिंग रेलवे स्टेशन, क्या बना के रखे हैं। अब मुझे मालूम नहीं कि मेरी टिकट कौन से बोगी से है भाई, वो पूछना पड़ेगा। हाँ, लिखा हुआ डिटेल है। एक्सक्यूज मी, कैरेज 4 हाँ देर 6। आज सारी चीज़ भाग भाग के हो रही है क्योंकि थोड़ा सा लेट हो गए हैं। ट्रेन भी बहुत सही लगी यार, अरे बाप रे भाई, ये तो 13 नंबर है, मुझे नंबर 4 पे जाना है, नंबर 4 तो बहुत आगे है। और आप टाइम देख सकते हो 4:32 हो गया है, सिर्फ अभी 13 मिनट बाकी है, बाकी स्टेशन पूरा खाली। आप देख सकते हो यहाँ का भी सिस्टम मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपके ट्रेन का टाइम होगा तभी आपको भेजेंगे, नहीं तो नहीं भेजेंगे। और बाकी ये रही कुछ ट्रेन जो आप लोगों को दिखा चुका हूँ, तो देखते हैं यार चाइना की स्लीपर ट्रेन कैसी है। देख सकते हो हर डब्बे के बाहर एक आदमी खड़ा हुआ है जो टिकट देख देख के अंदर जाने दे रहा है। देखिए यहाँ एक खड़े हैं, वहाँ एक खड़े हैं, फिर उसके आगे एक खड़े हैं। तो यार ये सिस्टम सही है यार, हर बोगी के लिए एक सिक्योरिटी गार्ड है भाई। मेरा नंबर 4 ये है, नंबर 4 ओके 6। तो भाई पहले सामान वगैरह रख देता हूँ और थोड़ा टाइम बचा तो मैं आप लोगों को अच्छे से ट्रेन दिखाऊंगा। भाई यहाँ तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ है यार, मेरा स्लीपर नंबर 8 है, 8 का, एक्सक्यूज मी, हेलो नंबर 8, नंबर 5-6 मेरा ख्याल है, ये देखिए नंबर 7 इधर है, ये होगा भाई। लकीली टाइम से ट्रेन मिल गई, आप देख सकते हो ट्रेन, और भाई इतनी भागम दौड़ी में आया ना यार कि सारी चीज़ें आप लोगों को जल्दी जल्दी में दिखाया। अगर थोड़ा जल्दी आता तो आप लोगों को आराम से दिखाता भाई, क्योंकि एडिट कर रहा था वीडियो बैठ के, इसलिए थोड़ा लेट हो गया। और स्टेशन देखिए यहाँ का, क्या बात है यार, क्या पेंटिंग वगैरह बना के रखे। देखिए ये बुलेट ट्रेन की सारी टाइप है, और वहाँ सारे देखिए भाई पूरी पेंटिंग बनी हुई है। और देखिए भाई सिक्योरिटी गार्ड लोग, क्या बात है यार, परेड चल रही है यार यहाँ पे स्टेशन पे। सामान सारा अंदर रख दिया हूँ, चलता हूँ नहीं तो ट्रेन ना छूट जाए भाई, पूरा सामान के साथ ट्रेन चली जाएगी। तो ये ट्रेन कुछ रशिया जैसी लग रही है, तो जैसी ट्रेन चलती है मैं आराम से आप लोगों को सारी चीज़ें दिखाऊंगा भाई। बहुत लंबा सफ़र होने वाला है, 14 घंटे का, कल सुबह पहुँचेंगे एकदम प्रॉपर। 4:45 पे हमारी ट्रेन चल पड़ी है, ये देखिए, और सामने भी एक ट्रेन देख सकते हो आप। सर काफ़ी अच्छी साफ़ सफाई है यहाँ पर, देखिए पटरी के पास कुछ कचरा वगैरह दिख रहा नहीं है।
भीड़ तो आप यहाँ देख सकते हो, मैं आप लोगों को अच्छे से फुर्सत में दिखाऊंगा, पहले सेटल हो जाते हैं अच्छे से। भाई बैठ गए हम ट्रेन में, तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं चाइना की स्लीपर ट्रेन होती कैसी है। अगर मैं अपने पहले इंप्रेशन की बात करूँ तो साफ सफाई में तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, लेकिन अगर कंपेयर करें भाई इंडिया से तो यार बहुत पतली है यार। जो एसी स्लीपर होती है इंडिया में भाई बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। ये बहुत पतली सी है और ये मेरी सीट ऊपर वाली, लेकिन ऊपर का ऐसा सिस्टम है कि आप बैठ ही नहीं सकते हो भाई, इतनी इतनी कम जगह है ऊपर कि बैठ ही नहीं सकते हो, आप लोगों को सिर्फ लेटना पड़ेगा। और इस तरफ देखिए ऐसी सीट लगी हुई है, ये सीट वाले लोगों को अगर बैठना है तो इधर आके बैठ सकते हैं, वो दो सीट ऐसी लगी हुई है खाली। और साथ ही साथ आप यहाँ देख सकते हो एक आपको गद्दा सा मिलेगा, उसके ऊपर चादर बिछी रहेगी, और एक ओढ़ने के लिए ब्लैंकेट और एक पिलो देखने मिलेगा। ये जो एमिनिटीज है वो काफ़ी ठीक ठाक है भाई, तकिया वगैरह भी सारी मिल जाएगी आपको, कंबल भी मिल जाएगा। तो देखते हैं सारा सफर आप लोगों को, सारी ट्रेन विजिट करवाता हूं। और चार्जिंग पॉइंट वगैरह दिख रहे नहीं मुझे, तो ये मामले में भाई इंडिया की ट्रेन काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। यहाँ देखिए भाई चाइनीज़ में न्यूज़पेपर वगैरह रखा है, अगर पढ़ना है तो पढ़ सकते हो। तो थोड़ा सा आपको आगे चल के दिखाता हूँ, देखिए भाई सारे लोग साइड में बैठे हुए हैं। नूडल्स वगैरह आपको बनाना है, कॉफ़ी वगैरह बनाना है तो गर्म पानी यहाँ पर मिल जाएगा। ये देखिए ये है गार्ड का रूम, ऐसा कुछ सिस्टम है यहाँ पर। और भाई हर बोगी में यहाँ वॉशरूम नहीं रहता है, देखिए इधर वॉशरूम भी नहीं है, वॉशरूम जाना है तो आपको उस तरफ जाना पड़ेगा। और देखिए भाई बीजिंग से हम निकले ही हैं और यहाँ गांव जैसा एरिया आने लगा है, तो यार बहुत ही अच्छा सफर होने वाला है। आप लंबा तो नहीं बोलेंगे, 15 घंटा लगने वाला है इसमें। देखते हैं भाई यहाँ सारी क्या क्या चीज़ें हैं, खाने पीने के लिए क्या मिलता है, और बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को दिखाता हूँ। तो पहले थोड़ा सा बैठते हैं, आराम करते हैं यार। चलिए चलते हैं हमारी सीट पर। देखिए थोड़े थोड़े टाइम पे पता नहीं है कुछ लेके आ रहे हैं, बेचने ला रहे हैं। अच्छा कुछ खाना, देखिए खाना वगैरह चाहिए तो आप लोगों को मिल जाएगा, लेकिन भाई सारा कुछ है नॉन वेज। तो शायद आगे पेंट्री कार भी है, तो वहाँ देखेंगे भाई खाने के लिए अगर कुछ वेजिटेरियन मिलता है, फिर एग वगैरह मिलता है तो खाएंगे। और अगर आप नॉन वेज खाते हो तो ऐसा बार बार लोग आते रहते हैं, हर 5 मिनट में आ रहे हैं, तो आप यहाँ खा सकते हो। तो यार इस ट्रेन में तो भाई बहुत मसला होने वाला है यार, कसम से बता दूँ यार, मुझे ज़रा भी नहीं पसंद है, क्योंकि भाई यहाँ चार्जिंग पॉइंट ही नहीं है, और मेरे फ़ोन में चार्जिंग ही नहीं है, ना कैमरे में चार्जिंग है, किसी में भी चार्जिंग नहीं है। और मैं चार्जिंग पॉइंट ढूंढने निकला हूँ, जो गार्ड भाई थे वो बोले भाई चार्जिंग पॉइंट है नहीं, फिर भी देखता हूँ भाई कहीं किसी के पास कुछ पावर बैंक कुछ मिलता है कि नहीं। देखिए पूरा भरा हुआ है यार। और आगे की तरफ पेंट्री कार भी है, वहाँ खाने वाने के लिए देखते हैं, रेस्टोरेंट है शायद, देखते हैं आगे खाने के लिए कुछ मिलता है कि नहीं, और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई अगर चार्जिंग के लिए कुछ मिल जाए तो बहुत अच्छा है यार, क्योंकि चार्जिंग बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ 4% चार्जिंग है। तो चलते हैं यहाँ से तकरीबन 4 बोगी के आगे रेस्टोरेंट है, तो वहाँ चलते हैं देखते हैं भाई, होप कुछ मिल जाए यार चार्जिंग के लिए। और ऐसा कुछ नज़ारा आ रहा है, तो देखिए अब स्टेशन पर रुकी है यहाँ पर, और यहाँ जैसे स्टेशन पर रुकती है ना, जैसे ही रुकती है देखिए लोग सिगरेट लेके निकल जाते हैं, क्योंकि भाई यहाँ स्टेशन पर सिगरेट पी सकते हैं, आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ। ट्रेन तो आप लोगों को मैं दिखा ही चुका था, लेकिन भाई अभी तक जो फिलहाल 1-1.5 घंटा का जो एक्सपीरियंस है यार, मेरा ज़रा भी अच्छा नहीं हुआ, चार्जिंग पॉइंट ही नहीं अंदर। और आप लोगों को बता दूँ इस ट्रेन में 3 क्लास है, एक तो सीटिंग वाला है, आप लोगों को वहाँ सोने की जगह नहीं मिलेगी, और दूसरा वाला जो है हार्ड सीट। अरे यार इतनी ज़ोर से बोलते हैं यार, चलो ट्रेन में अंदर ही जाके समझाऊंगा। और ये देखिए ऐसा कुछ स्टेशन है, ये स्टेशन का नाम है तंगशान बे रेलवे स्टेशन, और बाहर का अरे ओ भाई यहाँ भी बिल्डिंग वगैरह देखिए यार काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, क्या मतलब इतनी अच्छी बिल्डिंग रखी है भाई, जब ट्रेन में तुम्हारे चार्जिंग पॉइंट ही नहीं है। देखिए भाई सिगरेट गैंग बाहर निकली है, फिर अभी ट्रेन चलने वाली रहेगी तो सब अंदर जाएंगे, लगता चलने वाली सब फेंक रहे हैं। तो ऐसी कुछ ट्रेन दिखती है, आप लोगों को दिखा चुका हूँ। और ये जो बीच का पार्ट है आप देख रहे हो, ये देखिए हाँ ट्रेन छूटने वाली, चलते अंदर। और बहुत भाई ढूंढते हैं यार, खाने पीने की भी दिक्कत है थोड़ा। चलिए 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 चलिए, तो हम ढूंढ रहे हैं यहाँ पर रेस्टोरेंट, और यहाँ से गार्ड भाई से पूछ रहे हैं 12 नंबर शीशे। चलते हैं आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ का रेस्टोरेंट कैसे रहता है। ओ भाई ये रेस्टोरेंट है, अच्छा नहीं नहीं ये जो देख रहे हो आप, ये है फर्स्ट क्लास यहाँ की। देखिए फर्स्ट क्लास में आप देख सकते हो भाई, यहाँ पर कारपेट वगैरह लगाए, ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं था। जो मेरी टिकट मिली है, जो मेरी टिकट है वो तकरीबन 3,500 की है, और ये जो फर्स्ट क्लास वाली है तकरीबन 4,900 की थी, तो 1,400 रुपये का फ़र्क था। मुझे लगा वहाँ ज़्यादा अच्छा रहेगा, कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं रहेगा। हेलो यहाँ तो इस बोगी के बाद में यहाँ पर है रेस्टोरेंट, तो देखते हैं यहाँ पर भाई रेस्टोरेंट। ओके यहाँ से खोल रहे हैं चाबी से, शीशे देखते हैं यहाँ पर खाने के लिए क्या क्या मिलेगा। ओ भाई चलिए भाई, रेस्टोरेंट देख के तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्या बात है यार, कुछ अच्छा है नहीं यार लेकिन रेस्टोरेंट बड़ा अच्छा है। यहाँ पर सिर्फ चार्जर मिल जाए ना यार मज़ा आ जाएगी, चार्जिंग पॉइंट मिल जाएगा ना मज़ा आ जाएगी, यहाँ बैठ के आराम से खाना वाना खाएंगे, कुछ वेज जुगाड़ करते हैं यार। चार्जिंग 3-4% बची है, अगर मैं जल्दी ट्रांसलेट नहीं करी तो खाने के भी वांदे हो जाएंगे। काफ़ी ज़्यादा फर्स्ट क्लास लग रही है यार। उसके बाद देखिए चालू डब्बा है, जो बैठने वाली सीट होती है तो वहाँ भी चलेंगे, पहले यहाँ पूछते हैं भाई कुछ खाने के लिए मिलता है कि नहीं। तो भाई ये गार्ड से पूछा मैं कि भाई मेन्यू कहाँ है, तो बोले ये मेन्यू है, तो मैं इनको समझा दिया कि मैं नॉनवेज नहीं खाता हूँ, एग चल जाएगा नॉनवेज, लेकिन गोश्त वगैरह नहीं चलेगा, तो इनको तो बता दिया हूँ।
देखिए ये बता रहे हैं नो दिस फ्राइड फंगस एंड कैबेज फ्राइड मीट हाँ नो मीट नो बीफ ओके ओके वन कितने ज्यादा हेल्पफुल है यार ओके कितनी ज्यादा हेल्पफुल गाड़ते की मदद कर दी कि मैं समझा दिया कि भाई मीट वगैरह ना रहे तो वो समझ गया यार शेषे यहाँ बैठ के थोड़ा सा खाते हैं यार और उसके बाद रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई चार्जिंग के लिए दे दो तो काम बन जाएगा यार तो अभी एक्सपीरियंस धीरे धीरे अच्छा हो रहा है या वन वन तो भाई रेस्टोरेंट के बिल्कुल पीछे वाला जो सीट थी फर्स्ट क्लास वाली उसके बाथरूम में चार्जिंग पॉइंट बने हुए थे लेकिन वो भी फुल था तो मैं रिक्वेस्ट किया एक आदमी थे भाई बोला भाई प्लीज लगाने दीजिए बहुत अर्जेंट है ऐसे थोड़ा सा उनको चढ़ाया तो बोले भाई ठीक है लगा लो 15 मिनट लगा सकते तो बोला मैं रेस्टोरेंट में खाना खाता हूँ और 15 मिनट में आ जाऊँगा तो भाई कुछ तो चार्ज कम से कम कुछ तो चलेगा तो खाना खा लेते हैं भाई यहाँ पर फिर उसके बाद हम जाएंगे अपना फ़ोन ले लेंगे देखिए खाना ठंडा हो रहा है तो यार खाना तो काफ़ी ठीक ठाक है यार यहाँ देख सकते हो सूप भी ला के दे दिए और यहाँ से जो व्यू दिख रहा है ना अभी पीछे देख सकते हो पहाड़ है यहाँ पर क्या ही प्यारा व्यू आ रहा है यार ये देखिए यहाँ तो इतना खास नहीं है लेकिन इस तरफ देखिए यार जो व्यू है नज़र पे पहाड़ वगैरह हेलो नियाओ हाउ आर यू नियाओ मा भाई लोग तो काफ़ी अच्छे हैं यार एक्सपीरियंस थोड़ा स्टार्टिंग में ख़राब था लेकिन अभी ठीक हो रहा है यार व्यू अभी थोड़े टाइम में दिखेगा भी नहीं क्योंकि भाई अंधेरा हो जाएगा तो ऐसा कुछ है भाई यहाँ का रेस्टोरेंट जो कि काफ़ी ठीक ठाक है और ये जो खाना मिला है मुझे थोड़ा सा महंगा मिला है तकरीबन आप समझ सकते हो 400 रुपये का मिला है लेकिन ठीक है यार एक सूप है और थोड़ा सा भाजी है तीन टाइप की और चावल है थोड़ा सा और व्यू यहाँ का भी ठीक हो रहा है धीरे धीरे देख सकते हो पहाड़ वगैरह आ रहे हैं तो भाई देखिए पीछे रेस्टोरेंट से खाना खा के निकल रहे हैं पूरा तो नहीं खाया थोड़ा छोड़ दिया अब चलते हैं मोबाइल लेते हैं मैं आप लोगों को दिखाता हूँ मोबाइल चार्जिंग पे लगाया कहाँ पे हूँ ये देखिए ये शायद वॉशरूम में ये वाले वॉशरूम में इसमें अबे भाई ये तो बंद कर दिए यार मेरा फ़ोन कहाँ गया अबे मेरा फ़ोन है अंदर ये क्या बात है यार मैं तो अंदर बाथरूम में चार्जिंग लगाया था चार्जिंग बाथरूम में कोई है भाई साहब पहली चोरी चाइना में नहीं मुझे तो लगता नहीं होगा ऐसा देखते हैं भाई फिर भी इंतज़ार करते हैं मैं तो डर गया था यार एकदम बोला फ़ोन गया लगता लेकिन मिल गया और खेत वगैरह काफ़ी अच्छे अच्छे आ रहे हैं यार यहाँ पे तो चलते हैं आप ये रेस्टोरेंट देख रहे हो रेस्टोरेंट के बिल्कुल उस तरफ सेकंड क्लास है तो मैं आप लोगों को वो भी दिखाता हूँ भाई जो सीटिंग वाला सेक्शन है देखिए मैं खाना खाया नहीं आधा छोड़ दिया था वहाँ पर तो आप लोगों को तो मैं अपना स्लीपर दिखा दिया और उसके बाद एक दूसरा ये फर्स्ट क्लास वाला था वो भी थोड़ा सा आप लोगों को दिखा दिया और यहाँ पर देखिए ऐसा कुछ खाने वगैरह के लिए आपको चाहिए ना कुछ स्नैक वगैरह जूस पानी वानी तो यहाँ मिल जाएगा यहाँ तो यहाँ देखिए बैठने वाली सिर्फ सीट है देखिए जो बैठने वाला रहता है ऐसा कुछ रहता है यार ये भी ठीक ठाक यार इतना कुछ ख़राब नहीं है सीट खाली पड़ी है पूरी भरी नहीं है तो ठीक है यार ये भी लेकिन अगर इसकी सीट की बात करें तो ये तकरीबन 1000 में मिल रही थी 1000 रुपये में मिल रही थी मेरी वाली 3000 की थी और जो फर्स्ट क्लास थी वो तकरीबन 4.5-5 हज़ार की थी यहाँ लेकिन एक चीज़ है कि यहाँ पर गर्मी है भाई सेकेंड क्लास में यहाँ एसी नहीं है लगता लेकिन साफ़ सफाई तो ठीक ठाक लग रही है आप देख सकते हो कंडक्टर ऑफिस भी है यहाँ पर ये देखिए सारे लोग मेरे को देख रहे हैं तो भाई अभी मैं पता लगा ये जो कंपार्टमेंट है ये चालू नहीं है यहाँ ये सीटिंग सीट है यहाँ सबकी सीट अवेलेबल है ऐसा नहीं है कि कोई भी कहीं भी बैठ सकता है ऐसा नहीं है और मेरा ख्याल है भाई मैं चल के एकदम लास्ट तक आ गया हूँ ये देखिए ये स्टाफ ओनली यहाँ पे लिखा हुआ है और यहाँ भी देख सकते हैं यहाँ वॉश बेसिन बनी हुई है वॉशरूम वगैरह देख सकते हो तो चलते हैं आगे लोग तो काफ़ी अच्छे हैं लेकिन अभी मैं बात नहीं कर सकता क्योंकि भाई ट्रांसलेशन ऑन करना पड़ेगा और चार्जिंग नहीं है और अगर मैं ऐसा कर लिया अरे भाई ये तो पूरी हिल रही है ओके तो यार आप लोगों ने लास्ट क्लिप में देखा रहेगा भाई सारे पुलिस वाले लोग रोक रहे थे मुझे कि भाई रिकॉर्डिंग मत करो तो भाई यहाँ का अलग सिस्टम है यार मतलब कुछ एवरेज चीज़ दिखाओ या फिर थोड़ी ख़राब चीज़ दिखाओ ना तो लोग रोकने लग जाते हैं लेकिन हमारे यहाँ ही ऐसा है कि भाई दूसरे ब्लॉगर आते हैं कुछ भी दिखाते हैं भाई चोर बाजार दिखाते हैं इंडिया में कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाने के लिए चलो भाई जाओ बाद में बताता हूँ आगे चीज़ें बाकी की गुड मॉर्निंग यहाँ सुबह हो गई है 4:30 बजे अच्छा खासा उजाला हो गया है और अभी 5:30 बज रहे हैं बाहर धूप निकली है ये देखिए सर मैं आप लोगों को थोड़ा वॉशरूम वगैरह नहीं दिखाया था
ऐसा कुछ वॉश बेसिन है यहाँ पर। इसके पीछे आप देख सकते हो यहाँ पर वॉशरूम है, देखिए यहाँ पर दो वॉशरूम है, ऐसे कुछ होते हैं भाई। यहाँ पर अंदर पानी बिल्कुल नहीं मिलेगा आप लोगों को, यहाँ टिश्यू पेपर रहेगा, वो भी टिश्यू पेपर भी खत्म हो गया है। तो यार आ गया हमारा स्टॉप, ये देख सकते हो हार्विन स्टेशन। तो भाई हमारा सामान उठाते हैं और निकलते हैं भाई। देखिए भाई हमारा सफर खत्म होता है चाइना की स्लीपर ट्रेन में। एक्सपीरियंस ठीक ठाक था, और डिटेल में एक्सपीरियंस की बात मैं आप लोगों से बाहर करता हूँ, पहले बाहर निकल जाऊँ, लोग काफी ज्यादा बाहर खड़े हुए हैं अभी, तो चलते हैं भाई बाहर। हमारी ट्रेन इससे हम आए हैं हार्बिन, और अगर एक्सपीरियंस की बात करूँ तो एक्सपीरियंस काफ़ी ठीक ठाक था। मतलब मैं पूरा अच्छा तो नहीं बोलूँगा क्योंकि हमारे से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट थी, क्योंकि वॉशरूम में ना आप लोगों को पानी देखने मिलेगा यहाँ पर, और यहाँ पर तो टिश्यू पेपर भी नहीं था। बस ये छोटी मोटी थोड़ी प्रॉब्लम थी, और जैसे कि चार्जिंग पॉइंट नहीं था, चार्जिंग पॉइंट ढूंढना पड़ा, बहुत दूर दूर जाकर चार्ज करना पड़ा, ये सारा थोड़ा इशू था। लेकिन मेन चीज़ जो सबसे अच्छी थी इसकी, वो टाइम पंक्चुअल बहुत अच्छी है भाई। 6:06 पहुँचने बोले थे भाई, देखिए 6:10 हो रहे हैं, और 6:06 एकदम प्रॉपर पहुंच गए थे हम यार। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है भाई, टाइम इसका जो इतना परफेक्ट रहता है ना, ये बेस्ट चीज़ है भाई चाइनीज़ रेलवेज की। और ये देखिए भाई, ये कुछ ऐसा है स्टेशन हार्बिन, आप देख सकते हो काफ़ी ठीक ठाक यार, ये काफ़ी रिमोट एरिया में है, फिर भी आप देख सकते हो काफ़ी ठीक ठाक बना हुआ है यार। तो चलते हैं बाहर, और इतने सारे लोग खड़े हैं भाई, पहले निकलने देते हैं फिर हम निकलेंगे। तो यार मैं तो अपनी होटल बहुत दूर समझ रहा था, लेकिन यहाँ से भाई सिर्फ 1.5 किलोमीटर है, और 20 मिनट लगेगा वॉकिंग करने में। तो देखते हैं यार बाहर अगर टैक्सी मिलेगी सस्ते में, टैक्सी ले लेंगे, नहीं तो हम चलेंगे भाई चल चल के यार। यहाँ से लगता है भाई कुछ टिकट वगैरह दिखा के निकलना, टिकट तो हमारे पास है नहीं, हम ऑनलाइन बुक किए थे, तो शायद आईडी कार्ड यहाँ से दिखा के हम निकलेंगे भाई। हाँ आईडी कार्ड दिखाना है। ठीक ठाक इंफ्रास्ट्रक्चर है, काफ़ी ठीक ठाक है यार, देख सकते हो स्टेशन हार्बिन। मैं लिटरली ज़रा भी नहीं सोचा था कि हार्बिन इतना अच्छा होगा, मैंने फोटोज देखी थी, लेकिन वो मुझे लगा था कुछ भाई टूरिस्टी पार्ट है, वो ठीक ठाक थोड़ा सा डेवलप है, लेकिन भाई यहाँ का रेलवे स्टेशन काफ़ी अच्छा है यार, मैं आप लोगों को बाहर से दिखाता हूँ। तो यार मेरे पीछे आप देख सकते हो हार्बिन रेलवे स्टेशन, और भाई यहाँ की अगर वाइब बता दूँ आप लोगों को, बिल्कुल रशिया जैसी आ रही है भाई, क्योंकि रशिया से काफ़ी ज़्यादा करीब है, तकरीबन यहाँ से 200 किलोमीटर दूर रशिया है। और आप लोगों को ऐसे देख के ऐसा लगेगा कि भाई आप रशिया के कोई पार्ट में आ गए हो। सारा इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए रशियन टाइप का, आप लोगों को चारों तरफ देखिए वैसी देखने मिलेगा, ये देखिए वैसी टाइप की कुछ बिल्डिंगें देखने मिलेगी देखिए। और साथ ही साथ यहाँ पर बहुत सारे रशियन भी रहते हैं, तो देखेंगे यार कैसे सिटी एक्सप्लोर करेंगे, बहुत मज़ा आने वाली है। पहले तो होटल जाने का इंतजाम करते हैं, लेकिन यार यहाँ सफाई वगैरह भी यार बहुत ही अलग लेवल की यार, ये देखिए ना भाई। और हम इतने अलग रीजन में आए हैं भाई, इतने रिमोट रीजन में आए, नॉर्दर्न पार्ट में आए हम चाइना के, और यहाँ पर भी सफाई वगैरह भाई कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया भाई सफाई से। तो चलते हैं देखते हैं कुछ टैक्सी वगैरह कुछ भी मिलता है, हम पहुँचेंगे हमारी होटल। यूजुअली लोग ये सब सिटी विजिट नहीं करते क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अलग है, और यहाँ टूरिस्ट तो भाई मुझे 100% मालूम है कि ना के बराबर नॉर्मल टाइम पर भी नहीं आते होंगे। क्या बात है यार, स्टेशन के बाहर एक भी टैक्सी वगैरह दिख रही नहीं है कहीं भी। तो हम चलते हैं पैदल, इस तरफ हमको जाना है तकरीबन, यहाँ 1.3 किलोमीटर है, तो चलेंगे यार। तो साथ ही साथ आप लोगों को बता दूँ ये फ़ायदा होता है अगर आप सामान कम रखो, मेरा तकरीबन 5 से 6 किलो सामान रहता है, तो बस चलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लोगों को सारी होटल वगैरह दिखाता हूँ, और रास्ते में कुछ अगर और स्पेशल चीज़ दिखी तो आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगा। देख तो सकते हो मेरे पीछे होटल थी, होटल बराबर टाइम पर पहुँच गया था, पर जैसे कि आप लोगों को बताया कोई चीज़ कभी पूरा परफेक्ट जाती नहीं है। मैं होटल में अंदर गया तो वहाँ के देखिए ये मेरी होटल थी, और मैं यहाँ अंदर गया तो मुझे मालूम पड़ा कि भाई फॉरेनर्स यहाँ नहीं रह सकते हैं, सिर्फ चाइनीज़ लोगों के लिए। तो कभी भी चीज़ भाई प्रॉपर होती नहीं। अभी सुबह सुबह मैं कहाँ भटकूँ, ऑनलाइन देख रहा हूँ तो मोस्ट ऑफ़ द होटल जो यहाँ पर है वो सारे फॉरेनर्स को लेते ही नहीं है। तो बहुत ढूंढने के बाद एक मिली है होटल, लेकिन वो यहाँ से 3-4 किलोमीटर दूर है। अब टैक्सी लेना पड़ेगा भाई, पैदल चलने का तो मूड नहीं है, वो भी दिखा रहे 25 मिनट में पैदल पहुँच जाएंगे, लेकिन भाई टैक्सी देखते हैं, टैक्सी है। हाँ भाई चलिए टैक्सी लेते हैं, ताकत नहीं बची एकदम। नहीं हाँ तो यार मैंने मैप खोल के मोबाइल में अंकल को मोबाइल दे दिया है, मतलब आप देखिए भाई और लोकेशन पे लेके चलिए यार, काफ़ी ज़्यादा मतलब बहुत खराब, ऑलमोस्ट हर बार होता है भाई, यूजुअली मैं नहीं दिखाता या फिर कोई भी ट्रैवलर नहीं दिखाता है। सुबह सुबह पहुँचे हम यहाँ भटक रहे होटल के लिए, अब देखते हैं वो होटल वाले भी लेते हैं कि नहीं। वहाँ पहुँचते अगर ले लेते हैं तो मैं सारी होटल वहाँ की दिखाता हूँ आप लोगों को, और देखते हैं क्या होता है। बोलते हैं ना जो होता है अच्छे के लिए होता है भाई, अच्छा हुआ मुझे वो होटल में चेक इन नहीं मिली, नहीं तो भाई इतनी अच्छी होटल मुझे नहीं मिलती। मैं भी आप लोगों को होटल दिखाता हूँ, और इतनी ज्यादा अच्छी और उससे सस्ती है सबसे मेन चीज, मैं आप लोगों को अभी दिखाता हूँ। तो यार ये देखिए ऐसा कुछ है मेरा रूम, यहाँ देख सकते हो आप लोगों को, यहाँ किचन एरिया जैसे मिल जाएगा सारा सामान, माइक्रोवेव वगैरह, और यहाँ है वॉशरूम, और छोटी मोटी सारी अमेनिटीज टॉवल से लेके हर चीज़ आप लोगों को यहाँ मिल जाएगी काफ़ी साफ़ सुथरा। और यहाँ पर फ्रिज मिल जाएगी, टीवी है, एसी है, सोफ़ा है,
बेड है, बहुत ही बेस्ट। और सबसे मेन चीज जो यहाँ की आप लोगों को दिखाता हूँ वो यहाँ का व्यू है भाई। अगर आप खिड़की से बाहर देखोगे ऐसा लगेगा कि भाई आप रशिया में हो। आप देख सकते हो सारी बिल्डिंग जो है, ये देखिए सारे बिल्डिंग के ऊपर डोम है जो रशियन स्टाइल में बनाई गई है पूरी। और क्या ही बेस्ट व्यू आप लोगों को यहाँ बैठ के मिलेगा। और इस वक्त हम मौजूद है 16 फ्लोर पे 16वें माले पे, और इस रूम के मैं दे रहा हूँ 1600 रुपये। तो यार काफी ठीक ठाक है यार, अगर कंपेयर करें बीजिंग के स्टे से। मैं हॉस्टल में 1600 रुपये दे रहा था, और यहाँ इतने अच्छा स्टे, सेपरेट रूम, हर चीज, एमिनिटी ए टू जेड परफेक्ट है इसके 1600। तो मैं यार इसका नाम मेंशन कर दूंगा, अगर आप लोग हार्बिन आओ तो यहाँ रुक सकते हो। एकदम बेस्ट है यार, एकदम सबसे बेस्ट है। वीडियो रिकॉर्डिंग एडिटिंग इसमें ही लगाऊं, सिर्फ 3 से 4 घंटा नींद मिल रही है। तो यार रखते हैं इस वीडियो को यहीं तक। इस वीडियो में आप लोगों ने मेरी बीजिंग से हार्बिन तक की ट्रेन जर्नी देखी, पहली बार एक्सपीरियंस था चाइना के स्लीपर ट्रेन लेने का। तो होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। और इसके बाद मैं जिस जगह पे जा रहा हूँ वो बहुत ही ज्यादा यूनिक और अमेजिंग जगह है, आप लोग शौक हो जाओगे वो जगह को देख के। तो मिलते हैं आप डायरेक्ट वहां पे।